कोरोना वॉरियर, इन शब्दों को बड़े हल्के में लेते हैं शायद हम, लेकिन ये शब्द कितने अनमोल हैं, शायद वही जानते हैं जो हर हाल में ड्यूटी कर रहे हैं, हर हाल में दूसरों का ख्याल रख रहे हैं। ऐसी ही थी डॉक्टर शारदा सुमन। कोरोना से लंबी लड़ाई के बाद हैदराबाद में बीते 4 सितंबर को उनका निधन हो गया। कोविड के बाद 140 दिन तक फेफड़े की तकलीफ सही, लंग ट्रांसप्लांट के लिए हैदराबाद के अस्पताल एयरलिफ्ट किया गया, इलाज चला लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। लखनऊ के लोहिया अस्पताल के जच्चा बच्चा विभाग में काम करने वाली रेजिडेंट डॉक्टर शारदा अप्रैल महीने में जब कोरोना संक्रमित हुई तो वो खुद 8 महीने की गर्भवती थी। 14 अप्रैल को डॉक्टर शारदा सुमन कोविड पॉजिटिव हुई थी। उसके बाद 18 अप्रैल को उन्हें सांस की तकलीफ होने लगी। इस वक्त उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। ऑक्सीजन थेरेपी लगातार बढ़ानी पड़ी थी। बच्चे को बचाने के लिए और डॉक्टर शारदा को सांस लेने में राहत देने के लिए सिजेरियन ऑपरेशन कर डिलीवरी हुई थी। इसके बाद भी डॉक्टर शारदा की हालत बिगड़ती रही क्योंकि फेफड़ों में सुधार नहीं हो रहा था। ट्रांसप्लांट की तरफ जब डॉक्टर्स बढ़े तो उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने खर्चा उठाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। ट्रांसप्लांट के लिए लंग्स न मिलने की वजह से डॉक्टर शारदा को बचाया ना जा सका। दूसरी तरफ आज भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ गया है। 70% से ज्यादा मामले केरल में दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 43,263 नए कोरोना केस सामने आए हैं। इससे एक दिन पहले 37,875 केस सामने आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 338 लोगों की जान चली गई, यानी कि 2,358 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। केरल में बुधवार को कोविड के 30,196 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही केरल में कोरोना वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 42,83,494 हो गई, जबकि 181 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 22,001 पर पहुंच गई। राज्य में लगातार 5 दिनों से रोज नए मामलों की संख्या 30,000 से कम रहने के बाद आज एक बार फिर 30,000 को पार कर गई। ऐसे में एबीपी न्यूज आपसे यही अपील करता है कि आप मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें और उचित दूरी बनाकर रखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।